music. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं सर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो, तो दोस्तों इसी तरह की और भी आप 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं, आपको सिंपली मेरे चैनल पर चले जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट को ओपन करना है और फ्रेंड्स नोट वीडियो ट्यूटोरियल जो आपको मिलेगा उसे ओपन कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे एक मिनट जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स इसी एडिटिंग के लिए जो मैंने जिप फाइल का यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। तो आइए हम चलते फोन के स्क्रीन पर, ओपन करते हैं नोट वीडियो एप्लीकेशन को। सो फिर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फिर से यहाँ मिनी मोड के जस्ट ऊपर एक एरो आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है। नीचे लोड प्रोजेक्ट जिप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। सो फिर जब इस पर आप क्लिक कीजिए आपका फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको ये वाला जिप फाइल मिल जाएगा, महादेव पार्वती लव 3D स्टेटस, जो कि मैंने आपको डाउनलोड के लिए लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से डाउनलोड किए होंगे तो आपको डाउनलोड में मिल जाएगा, मेरे रिसेंट में दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी इसे डाउनलोड किया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसे सेव कर लेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पे सिलेक्ट होकर नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, जब इस पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ये ओपन होकर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें करी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप चाहे तो सिंपली यहाँ पे अपना इमेज भी लगा सकते हैं, जो भी इमेज आप लगाना चाहे, या फिर आप सॉन्ग को चेंज करना चाहते हो तो सॉन्ग चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये ग्रुप जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली टैप कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दीजिएगा। तो जो सॉन्ग यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है वो डिलीट हो गया, तो आपको नया सॉन्ग यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके लिए इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो भाई जब इस पर आप क्लिक कीजिए आपका फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा ये ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आपका जिस भी फाइल में ऑडियो होगा या जहाँ पर भी होगा जिसे आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो उसे ले लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं महादेव पार्वती लव थीम सॉन्ग यहाँ पे एक ठो मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो मैं इसे सिंपली ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है और ये 30 सेकंड से ज़्यादा का है, तो सिंपली इस साइड में स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे लास्ट में जहाँ पे आपको दिख जाएगा, ऐसे नहीं दिख रहा है तो सिंपली इस एडो पे क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो उसे आपको सिलेक्ट करना है और ये ट्रिमर का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। एक्स्ट्रा नीचे आ जाता है तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे, तो जो पार्ट एक्स्ट्रा था वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे और सारी चीज़ें सही है, आपको इसमें से कुछ चेंज नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे जो महादेव का पिक्चर है उस पर आप अपना इमेज लगाना चाहे तो अपना इमेज लगा सकते हैं, अपना इमेज लगाना चाहे तो अपना इमेज लगा सकते हैं, या फिर कोई भी इमेज आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो उसे आपको लगाना है। तो सिंपली इस साइड में स्क्रॉल करेंगे और ये मॉडल का जो ये दिख सकता है इस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ ये 3 लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और रिप्लेस वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो उसे लगा सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट में इमेज मैंने ये वाला लगाया था, तो चलिए अभी मैं ये वाला लगाता हूँ, या फिर मैं अपना कोई इमेज यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली एल्बम पर क्लिक करेंगे, जिस भी फाइल में आपका इमेज होगा उस फाइल में चले जाना है। तो फिर यहाँ पे मेरे पास मैंने फोटो रूम की मदद से इरेज किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पिक्चर यहाँ पे हैं, तो जो भी आप लगाना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे तब तक के लिए ये वाला राधा कृष्ण का जो इमेज है इसे ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप इसे प्ले करेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना नीचे ये एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्टली सेटअप करी हुई है, आपको एक ग्रीन बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, आपके फोन में स्टेटस आपका तैयार हो जाएगा, आपको शेयर करने के लिए आप जहाँ पर भी चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे एक मिनट जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप लोगों को लाइक और कमेंट बिल्कुल ही नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है स्टेटस ट्यूटोरियल बनाने में, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और जो चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है हमें करने में भी मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।